हेलो गाइस, चैप्टर नंबर 13 चल रहा था हमारा, प्रकाश दूत प्रभाव और ध्रुव तरंगा, इसका पार्ट नंबर 15 करें। पिछले भाग में हमने न्यूमेरिकल किए थे और इससे पिछले भाग में हमने फोटोन की अवधारणा के बारे में किया था, कैसे प्रकार प्लैंक ने फोटोन की उत्पत्ति की, क्वांटा की उत्पत्ति की और आइंस्टीन ने इसे बताया था किस प्रकार। देखते हैं आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की आइंस्टीन ने कैसे व्याख्या की। आइंस्टीन ने अपना फोटोन पर आधारित सिद्धांत जो प्रकाश विद्युत प्रभाव को की व्याख्या करता है वो किस प्रकार दिया। तो बात है 1900 की, 1900 में क्या होता है, 1900 ईस्वी में आता है वैज्ञानिक प्लैंक आता है, बिल्कुल सिंपल। तो इसके सामने जो समस्या थी उस टाइम कर्षणी का विकिरण, स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण, स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण, तो उसमें समस्या थी कर्षणी का विकिरण के स्पेक्ट्रम है उसमें जो ऊर्जा का वितरण किस आधार पर है। तो इस भाई साहब प्लैंक ने क्या कहा कि जो ऊर्जा का उत्सर्जन है, जो ऊर्जा का उत्सर्जन तथा अवशोषण किसी पिंड या वस्तु द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन तथा अवशोषण, ऊर्जा का अवशोषण सतत रूप से नहीं होकर, क्या है, सतत रूप से नए होकर क्या होता है, विवक्त रूप से छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, छोटे छोटे क्या होता है, बंडलों कह सकते हैं, पैकेटों के रूप में होता है, ये कहा इसने प्लैंक ने। और जो छोटा बंडल है जो पैकेट है उसे क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। तो ये बात शुरू में तो ऐसे अटपटी लगी, लेकिन बाद में 1905 में आया बाबा हमारे आइंस्टीन बाबा आए, उन्होंने कहा कि प्लैंक कुछ सही कह रहा है, प्लैंक सही कह रहा है बेचारा। उसने भी क्वांटा को क्या कहा, उसने क्या कह दिया अपना। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव की आइंस्टीन द्वारा व्याख्या किस प्रकार व्याख्या करता है। व्याख्या करने से पहले आइंस्टीन देगा सिद्धांत कि प्लैंक किस प्रकार व्यक्तेंगे। तो आइंस्टीन ने कहा प्लैंक विजय भाई साहब सही कह रहा है, और कहा कि जो प्रकाश की ऊर्जा है, प्रकाशिक ऊर्जा होती है क्वांटीकृत, यानी ये क्वांटीकृत होती है, ये छोटे छोटे पैकेटों के रूप में ही क्या होगी, अवशोषित तथा उत्सर्जित। तो आइंस्टीन भाई साहब ने इसको कहा कि प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन तथा अवशोषण सतत रूप से न होकर छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, प्रकाशिक ऊर्जा के क्वांटा या पैकेट को क्या कहेंगे, फोटोन कहेंगे, और फोटोन की अवधारणा प्रस्तुत हो गई। फोटोन के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, अब आती है आइंस्टीन की अवधारणा। 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कर दी थी प्लैंक सिद्धांत फोटोन अवधारणा के आधार पर, क्या कर दी थी, व्याख्या कर दी थी प्लैंक आइंस्टीन ने। तो समय बीतता गया और 1921 में जब सब कुछ से ठीक हो गया कि ये सही है, 1921 में आइंस्टीन को क्या मिला, इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ये बहुत बार ऐसा प्रश्न आता है साइंस जीके में कि आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किसके लिए मिला था, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए मिला था। तो आइंस्टीन ने क्या कहा कि प्रकाश है वो क्या है, फोटोन है, फोटोनों से मिलकर बना है। तो प्रकाश क्या है कि जब प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है, कहते आपतित होता है तो क्या होता है कि जो फोटोन है, फोटोन अपनी समस्त ऊर्जा, फोटोन अपनी
समस्त ऊर्जा ई को सतह के ई को फोटोन है वो अपनी समस्त ऊर्जा ई को सतह के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु के सतह के इलेक्ट्रॉन को दे देता है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को अपनी स्मूर्ण ऊर्जा देगा, स्मूर्ण ऊर्जा अपनी इलेक्ट्रॉन को दे देता है फोटोन। तो इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। अवशोषण करने से इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। इलेक्ट्रॉन की क्या ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित या प्राप्त ऊर्जा का मान, अगर इलेक्ट्रॉन द्वारा जो अवशोषित ऊर्जा है उसका मान यदि धातु के कार्यफलन फाई नोड से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो सकता है, उत्सर्जन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो सकता है, उत्सर्जन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन फोटोन जो ऊर्जा देता है इलेक्ट्रॉन को, उसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण करी ऊर्जा का मान यदि धातु के कार्यफलन से ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है, मतलब हो सकता है, कंप्लीटली नहीं कह सकते। और यह आवश्यक नहीं होता, यह आवश्यक नहीं होता। साथ ही ये जरूरी ये भी बात याद रखनी है कि ये आवश्यक नहीं होता अगर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आदि कार्य धातु के कार्यफलन से क्या हो, ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो, उत्सर्जन ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। यानी अगर ई का मान अगर फाई नोड से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकले, ये ज़रूरी नहीं है 100%। क्यों कि जो धातु के भीतर के इलेक्ट्रॉन हैं, धातु के भीतर के यानी सतह से दूर के इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को ग्रहण करेंगे जिससे इनकी ऊर्जा ई हो जाती है जो क्या है, कार्यफलन से ज्यादा है। तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन धातु आयनों से क्या करेंगे, टक्कर करेंगे जिससे क्या हो जाएगी, ऊर्जा खो देंगे। कि धातु के सतह के भीतर के इलेक्ट्रॉन या सतह से दूर जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटोन द्वारा जैसे आपतित होगा, फोटोन द्वारा अवशोषित संपूर्ण ऊर्जा वो ग्रहण कर लेगा। और अगर वह ऊर्जा का मान कार्यफलन से ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन धातु आयनों से या धातु के अन्य इलेक्ट्रॉन से टकराकर अपनी ऊर्जा को खोया कर देगा, खो देगा, जिससे इसकी ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, कार्यफलन से कम हो जाए, जिससे ये धातु को छोड़कर नहीं जा सकता। ये कहा था किसने, आइंस्टीन बाबा ने। क्या कहा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जिसकी ऊर्जा का मान कार्यफलन से ज़्यादा हो, सतह धातु से उत्सर्जित हो, यह जरूरी नहीं है। क्या नहीं है, जरूरी है नहीं है। यदि अब देखिए, यदि एक फोटोन है, मान लीजिए एक फोटोन धातु के एक इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, टकराता है या आपतित होता है, उस पर टकराता है। जैसे टकराता है ये इसके साथ टकराने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फोटोन की ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा। फोटोन की ऊर्जा कितनी थी, ई। अगर ये ऊर्जा कार्यफलन से क्या है, ज़्यादा है। साथ ही जो इलेक्ट्रॉन कार्यफलन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए, निकल सकता। और बिना टक्कर करता है, कोई भी टक्कर नहीं करता, बिना टक्कर किए क्या कहता है, धातु से उत्सर्जित होता है। तो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन
से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा उसकी समूह ऊर्जा वो गण कर लेगा। अगर धातु बिना जो इलेक्ट्रॉन है बिना टक्कर किए किसी अन्य धातु आयन से बिना टक्कर किए धातु से उत्सर्जित होता है, मान लीजिए ये चीज, तो क्या होगा जो ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन जो फोटोन की ऊर्जा है फोटोन की जो ऊर्जा है वो क्या करेगा, कौन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ये बात है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन इसका क्या करेगा, दो कामों में उपयोग करेगा, दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो कार्यफलन को संतुष्ट करने में और दूसरी ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा में, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में बढ़ाने में। वो ऊर्जा एक तो कार्यफलन को संतुष्ट करने में, खत्म करने में, ताकि धातु इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है, बाकी ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा में लग जाती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन है फोटोन है, धातु से इलेक्ट्रॉन टकराता है, ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, ये कार्यफलन से ज्यादा है तो बिना टकर किए धातु से उत्सर्जित होगा, तो धातु उत्सर्जित होगा तो उसकी क्या होगी, कुछ गतिज ऊर्जा होगी। वो क्या होगी, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा। उसकी मैक्सिमम गतिज ऊर्जा क्या होगी, बिना टकराए e upon phi naught उसकी क्या होगी, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा होगी। और जो धातु भीतर की हैं वो टक्कर करते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो सकती है, इससे e-phi naught से क्या हो सकती है, कम हो सकती है। मतलब e-phi naught से कम हो सकती है जो भीतर के इलेक्ट्रॉन हैं, और जो बिना टक्कर निकलते हैं उनकी गतिज ऊर्जा जो मैक्सिमम गतिज ऊर्जा e-phi naught, अर्थात जो मतलब इसका मान शून्य के बराबर भी हो सकता है, अर्थात जो काइनेटिक एनर्जी है वो शून्य से जीरो टू कहाँ तक चेंज होगी, e-phi naught। ये e-phi naught क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी और ये है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। ये चीज आइंस्टीन ने कहा कि एक तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी और एक अधिकतम होगी। धातु से उत्सर्जित प्रकाशित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा शून्य से लेकर अधिकतम मान e-phi naught तक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कहा था आइंस्टीन ने कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा शून्य से लेकर अधिकतम मान e-phi naught से के phi naught के बीच कुछ भी हो सकता है, तक कुछ भी हो सकता है। मतलब तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को अधिकतम गतिज ऊर्जा को किससे दर्शाएंगे हम, अधिकतम गतिज ऊर्जा को दर्शाएंगे के मैक्सिमम से हमने किसको दर्शाया, अधिकतम गतिज ऊर्जा को। अब अधिकतम गतिज ऊर्जा किस क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर e-phi naught, जहाँ ई फोटोन की ऊर्जा है, ये इलेक्ट्रॉन के अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये धातु का कार्यफल। जो ये समीकरण है वो क्या है, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत प्रभाव की समीकरण, ये है प्रकाश विद्युत समीकरण कह सकते हैं, या प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं आइंस्टीन की। तो ये हो गई, अब हमने देखा कि फोटोन की ऊर्जा ई वो किस पर है, आवृत्ति पर निर्भर करती है, तो ई बराबर एच न्यू, न्यू आवृत्ति है, तो ई का मान ये लिख सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू माइनस फाइनल। ये भी क्या है, आइंस्टीन की क्या है, प्रकाश विद्युत समीकरण है। अब ये आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है, अगर एच न्यू लिखते हैं, एच न्यू बराबर क्या होगा, के मैक्सिमम प्लस फाई नोट, ये हो जाएगा, ये ई के बराबर है। अब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका मास क्या है, एम है, उसका अधिकतम वेग क्या है, मैक्सिमम वेग है, वो अधिकतम वेग इसका वी मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अधिकतम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 1/2 into m into वेग होता है मैक्सिमम, तो ये अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम अधिकतम गतिज ऊर्जा लिख सकते हैं 1/2
एम वी मैक्सिमम स्क्वायर प्लस फाई नोट, ये हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब जो मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी किससे संबंधित होती है, निरोधी विभव से भी संबंधित होती है। अगर धातु के लिए निरोधी विभव ई नोट है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ई यानी वी नोट, ये निरोधी विभव एच न्यू अपॉन ई वी नोट प्लस वाई नोट, ये आइंस्टीन की प्रकाश द्युत समीकरण है। और इस समीकरण से क्या स्पष्ट होता है कि एक फोटोन, यह समीकरण कार्यफलन फाई की धातु द्वारा एक फोटोन के अवशोषण, एक फोटोन के अवशोषण के लिए ऊर्जा समीकरण है। ये क्या है, ऊर्जा समीकरण है। और जो प्रकाश द्युत प्रभाव की व्याख्या, प्रकाश द्युत प्रभाव की व्याख्या इन सब समीकरणों के यानी आइंस्टीन के प्रकाश द्युत समीकरणों के आधार पर किसने की थी, आइंस्टीन ने की थी। इन प्रकाश द्युत समीकरणों के आधार पर आइंस्टीन ने की थी। ये हमने देखा कि ये सूत्र किस प्रकार है, और ये सब पढ़ेंगे अगले भाग में कि किस प्रकार इन समीकरणों को यूज करते हुए आइंस्टीन ने उन सभी प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या की जिनकी व्याख्या तरंग प्रकाश का तरंग सिद्धांत नहीं कर पाया था।